इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये चांद बीबी की तस्वीर जहां वो पूरे आत्मविश्वास से घुड़सवारी कर रही हैं, बाज उड़ा रही हैं, एक बेगम के जज्बे से भरी मुकम्मल तस्वीर है। ऐसी बेगम जिसने मध्ययुगीन भारत में कई नए काम किए। अहमदनगर रियासत में शहजादी की तरह पैदा हुई और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से शादी करने के बाद बीजापुर की बेगम बन गई। कुछ समय के लिए उन्होंने सियासी नुमाइंदे की तरह दोनों सल्तनतों का शासन चलाया। सन 1595 में उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर खुद को अमर बना लिया। निजाम शाही का अध्ययन करने वाले इतिहासकार पुष्कर सोहनी ने चांद बीबी की जिंदगी पर कुछ इस तरह प्रकाश डाला। हिंदुस्तान में काफी सारी मशहूर और बहादुर रानियां हुई है, जैसे दिल्ली सल्तनत की राजिया सुल्ताना, मुगलों की नूरजहान और 19वीं सदी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन हम अक्सर 16वीं सदी की चांद बीबी को भूल जाते हैं। चांद बीबी थी अहमदनगर सल्तनत की राजकन्या और बाद में बीजापुर सल्तनत की रानी। चांद बीबी की पैदाइश और परवरिश अहमदनगर शहर में हुई, जहां उनके पिताजी सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने काफी सालों के लिए राज किया। चांद बीबी को बचपन से लड़ाई और पढ़ाई दोनों में दिलचस्पी थी और दोनों में माहिर थी। उन्होंने राज कैसे करते हैं यह भी बहुत करीब से देख लिया था। उनकी शादी बाद में अली आदिल शाह, जो बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे हुई। चांद बीबी के पिताजी हुसैन निजाम शाह इस वजह से मशहूर थे कि उन्होंने विजयनगर के राम राजा को शिकस्त दी थी। उनकी दौर में अहमदनगर में बड़ी समृद्धि थी। चांद बीबी की मां खुंजा हुमायून एक बड़े खानदान से थी, जिनका ताल्लुक गोलकोंडा के कुतुब शाहों से भी था। खुंजा हुमायून खुद मशहूर थी क्योंकि अपने शौहर के मौत के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरी अहमदनगर की सल्तनत संभाली। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने सरदारों से ठीक तरह से सलूक किया। उनका बेटा मुर्तजा निजाम शाह, जो चांद बीबी का भाई था, उसे ये सब अपनी माँ की हरकत नापसंद थी और उसने अपनी माँ को बाद में फरेब से कैद कर लिया। चांद बीबी के जमाने में पूरा दक्खन इलाका रियासतों की पैबंदकारी की तरह था। अहमदनगर में निजाम शाही का शासन था और बीजापुर पर आदिल शाही की हुकूमत थी। अली बरीद शाह का बिदर पर और कुतुब शाही का गोलकोंडा पर शासन था। वहीं दक्षिण पर विजयनगर राजशाही का शासन था। सन 1565 में दक्खन के सल्तनतों के गठबंधन ने मिलकर विजयनगर के राया शासकों को तालीकोटा की मशहूर जंग में पराजित कर दिया था। तब चांद बीबी की उम्र महज 15 साल रही होगी। इन सल्तनतों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने और शांति कायम रखने के लिए ही चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से की गई होगी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुई। अली आदिल शाह का दौर ये काफी खुशहाली का दौर था। बीजापुर के लोग काफी खुश थे। चांद बीबी ने भी बीजापुर में कलाओं को बढ़ोतरी दी। उन्होंने दरबारी कामकाज नजदीक से देख लिया, राज कैसे करते हैं ये सीख लिया। उनको अहमदनगर से पहले से मालूम था दरबार कैसे चलते हैं, लेकिन अपने शौहर के साथ उन्होंने तकरीबन 30 साल ये सब काम किए। शौहर की मौत के बाद उन्होंने बीजापुर का पूरा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। जो दरबारी और सरदार उनके खिलाफ थे उनको अपनी जगह दिखा दी। उसके बाद
उन्होंने काफी लड़ाइयां भी लड़ी। जब मुगल दक्खन पे नजर रख के दक्खन की तरफ बढ़े, उन्होंने अहमदनगर पर हमला किया। इस वक्त चांद बीबी ने बीजापुर छोड़ के अहमदनगर की तरफ सवारी की, वहां जाके अहमदनगर के किले को मुगलों से बचाया। सन 1579 में अली आदिल शाह के कत्ल की वजह से चांद बीबी विधवा हो गई थी। उस वक्त बीजापुर दरबार सियासी साजिशों का घर बन गया था। आदिल शाह की कोई औलाद नहीं थी। उनका वारिस उनका भतीजा इब्राहिम आदिल शाह तख्त पर बैठा। तब चांद बीबी ने सियासी नुमाइंदे के तौर पर कुछ समय के लिए शासन का कामकाज चलाया। चांद बीबी जो अहमदनगर की राजकन्या भी थी और बीजापुर की रानी भी, उनकी वजह से अहमदनगर और बीजापुर के ताल्लुक अच्छे हुए। बीजापुर और अहमदनगर के बीच दोनों घरानों में फिर से शादियां होने लगी। चांद बीबी दक्खन में एक किस्म का अमन रख सकी। जब चांद बीबी अहमदनगर पहुंची तो वहां दो खतरे थे, एक मुगलों से जो राजकुमार मुराद की फौज के खिलाफ लड़ रहे थे, और दूसरा खतरा था वो अहमदनगर के निजामशाही घराने में अगला सुल्तान कौन बनेगा। इसके लिए चांद बीबी का समर्थन था एक बहादुर निजाम शाह नाम के बालक की ओर। 16वीं सदी दक्खनी रियासतों के लिए बड़े उठापटक का दौर था। अहमदनगर और बीजापुर के दरबारों में सत्ता संघर्ष और गुटबाजें उभर कर सामने आ गई थीं, जबकि अकबर की शक्तिशाली मुगल फौजें दक्खन का दरवाजा खटखटाने लगी थीं। ऐसे खतरों के बीच चांद बीबी ने अकबर की फौज से मुकाबला का बीड़ा उठाया और अपने पिता की सल्तनत की रक्षा के लिए अहमदनगर के लिए चल पड़ी। चांद बीबी के अपने भाई मुर्तजा अहमद शाह ने अहमदनगर रियासत को बहुत कमजोर कर दिया था। लोगों ने उनका नाम मुर्तजा दीवाना रख दिया था। सन 1588 में मुर्तजा की मौत के बाद रियासत में बिखराव पैदा हो गया था। अहमदनगर में काफी सारी साजिशें हो रही थी और चांद बीबी ने बहादुर निजाम शाह की तरफदारी करके बाकी सब सरदारों को हार दी। बहादुर निजाम शाह को वो तख्त पे बिठाना चाहती थी, लेकिन मुगलों का फिर से आक्रमण हो गया। इस आक्रमण में चांद बीबी ने बड़े हौसले के साथ उनके खिलाफ लड़ाई की। अहमदनगर का किला, जिसकी एक दीवार मुगलों ने तोड़ दी, उसे रातों रात फिर से दुरुस्त कर दिया। चांद बीबी के इस बहादुरी की वजह से अहमदनगर का किला मुगलों के हाथों नहीं गया, लेकिन चांद बीबी के लिए ये बड़ी खतरनाक बात हुई कि वो दरबारी साजिशों के बीच फंस गई। उन्हें अहमदनगर के सरदारों ने ही मार दिया। अंत में सबसे बड़ी दुख की बात ये रही कि चांद बीबी के अपनों ने ही उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने एक महिला रहनुमा की तरह अपनी छाप तो छोड़ी, लेकिन वो अपने आसपास के धोखेबाजों से नहीं निपट पाई। ये सब तब हुआ जब मुगल दक्खन में प्रवेश करने ही वाले थे, लेकिन चांद बीबी अपने पीछे एक पूरी विरासत छोड़ गई है। चांद बीबी ने काफी सारे काम ऐसे किए जिसकी वजह से उनको इतिहास में एक स्थान मिलना चाहिए। पहले औरत होके उन्होंने दो सल्तनत का पूरा कामकाज संभाला और उन सल्तनतों पर राज किया। दूसरी अहम बात, उन्होंने औरत होके मर्दों के साथ और फौज के साथ मुगलों से लड़ाई की। चांद बीबी सिर्फ लड़ाई और दरबारी काम नहीं जानती थी, बल्कि कलाओं की भी श्रोता थी। उन्होंने काफी सारे शायरों को अपने दरबार में रखा था। उन्होंने मराठी, कन्नड़, फारसी और अरबी सब जबानें सीख ली थी।
कई चीज़ों से ऐसा लगता है और ऐसा कहा भी जाता है कि दक्खन के अफ्रीकी सिपासालार सिद्धि या मलिक अंबर को चांद बीबी से ही प्रेरणा मिली थी। इसीलिए चांद बीबी के न रहने के बाद भी वो लगातार मुगलों के खिलाफ डटे रहे। मलिक अंबर ने चांद बीबी के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और वो चांद बीबी की बहादुरी की काफ़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी न सिर्फ एक निडर योद्धा थीं बल्कि वो एक चालाक रणनीतिकार और काबिल प्रशासक भी थीं। नई नई चीज़ें सोचने वाली चांद बीबी अपने समय से बहुत आगे चलने वाली थीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया।